हेलो एंड अ वेरी वॉम वेलकम आई एम योर होस्ट अहाना कुमरा न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ हैं एस्थेटिक फिजिशियन एंड लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वर्णा तिवारी व्यास मैम वेलकम टू द शो थैंक यू थैंक यू एंड मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है डॉक्टर स्वर्णा कि इरेग्युलर लाइफ इन सबसे जुड़ी डिजीजेस क्या क्या हो सकते हैं कौन सी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आ, ये जो रेगुलर लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस हैं इसमें डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कार्डिक इश्यूज़, महिलाओं में हम देखें तो ओवेरियन डिजीज इनफर्टिलिटी जो बहुत बढ़ रही है आपने देखा होगा आई यू का कल्चर बड़े बड़े सेंटर्स ओपन हो रहे हैं आईवीएफ के लिए इसको हम नेचुरल उसमें रखते ही नहीं हैं तो इनफर्टिलिटी बढ़ने का कारण भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती है फैटी लीवर ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज़ में आते हैं और ये ही आगे जाके एक कॉम्प्लिकेशन का रूप ले लेते हैं जैसे यदि आपको फैटी लीवर है तो उसका कारण है एक्सेसिव फ़ैटी फूड का कंजुप्शन और कम फिजिकल एक्टिविटी आज की डेट में लोग पैसे कमाने की होड़ में इतना ज़्यादा है कि वो एक घंटे की वॉक या चालीस मिनट की वॉक के लिए टाइम नहीं निकाल पाते उनका जो फूड कंजप्शन का टाइम है वो बड़ा रेगुलर है पहले के समय में ये होता था छः बजे उठ जाना है नौ बजे नाश्ता हो जाता था साढ़े बारह खाना हो जाता था रात का खाना सात बजे ख़त्म हो जाता था अब लोग तीन बजे लंच करते हैं साढ़े दस ग्यारह बजे डिनर करते हैं तो इसकी वजह से ये सारी डिज़ीज़ बढ़ रही हैं हमारे पास उस लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ को सुधारने का एक और तरीका होता है कि हम उस पेशेंट की पूरी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर दें कि ऐसा फूड जिसके पचने के लिए बहुत कम इंसुलिन की ज़रूरत है उसकी लाइफ स्टाइल समय पर वो खाना खाए समय पे सोना इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो अक्सर लोग नहीं समझते यदि आप पांच या छह घंटे की नींद लेते हैं तो कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन आपके mm. ब्रेन में सीक्रेट होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं और वो अकेला हार्मोन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपको इस तरह की लाइफस्टाइल स्टाइल डिजीज देने के पीछे आपको ऐसा लगता है कि ओबिसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एज ग्रुप में हो गई है अब बिल्कुल अब मैं अपनी क्लिनिक में देखती हूँ मैं वीक में एक दिन चाइल्ड हुड क्लिनिक रन करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पास तीन साल से तीन साल का बच्चा भी आता है चाइल्ड हुड के साथ तो आज के समय में ओबेसिटी तीन साल के बच्चे से लेके 85 ईयर ओल्ड मेल फीमेल तक देखी जा रही है आप मुझे एक बात बताइए कि आपको लगता है कि ओबेसिटी कैंसर से ज्यादा बड़ा रिस्क हो गया है जी, क्योंकि ही कई बार कैंसर होने का कारण होता है हमारे शरीर में दो तरह से फैट डिपॉजिट होता है एक होता है सुपरफिशियल फैट जो स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है और एक होता है विस्ट्रल फैट जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ओमेंटम कहते हैं जो एव्डिमिन के अंदर डिपॉजिट होता है तो जो एबडमिन के अंदर डिपोजिशन होता है विसरल फैट का वो सारे ऑर्गन की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसको कम कर देता है जब कम कर देता है तो धीरे धीरे वो आपको डायबिटीज़ देगा ब्लड प्रेशर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी आपने अभी अभी औरतों के बारे में बोला तो आपको ऐसा लगता है कि आजकल जो औरतें ऐसे फैट्स फॉलो करती हैं डाइट्स फॉलो करती हैं तो कभी बहुत दुबली हो जाती हैं कुछ बहुत ज़्यादा ओबीस होती हैं क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से इनफर्टिलिटी हॉमोनल इम्बैलेंस ज़्यादा बढ़ता है उनके अंदर जी मैं हमेशा ये अपने पेशेंट्स को भी आम लोगों को समझाती हूँ कि जब आप गूगल में कोई चीज़ पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम पे जो लोग इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं वजन घटाने के लिए तो उनके शरीर में माल नरिशमेंट डेवलप होता है वो ऊपर से मोटे दिख रहे हैं पर अंदर से बहुत सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी होती है जैसे पीसीओडी पीसीओडी hmm. महिलाओं में बच्चियों में आजकल 12 साल की उम्र से देखी जाती है hmm. इसमें जो ओवरी होती है वो सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती हूँ तो मैंने देखा है जो अच्छी गायनिक <clears throat> होती हैं वो हार्मोनल मेडिकेशन की बजाय अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख देती हैं लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करिए hmm. अपना वजन कम करिए ये डिजीज ऑटोमेटिकली चली जाएगी।, हो जाएगी क्योंकि कारण भी वही होता Correct. है इनफर्टिलिटी का रीजन भी वही है यदि आपके शरीर में विटामिन बी ट्वेल्व बी सिक्स बी सेवन ये सब कम हो रहे हैं आयरन कम हो रहा है तो जो एक अच्छी होती है, वो नहीं बनती है और वो आगे जाके इनफर्टिलिटी का कॉज हो जाता है हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी न्यूज में जहाँ पर ये लिखा था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट डिजीज़ेस हो सकते हैं तो आपका इसके बारे में क्या कहना है आप अपना बचपन यदि याद करेंगे जब आप तीन या चार साल तो क्या आपकी मदर ऐसा करती थी कि आपको सात बजे खाना खिला दिया उसके बाद सीधे शाम को छह बजे खिलाती कभी थी कभी नहीं हम सबका फूड पैटर्न बचपन से ये रहा है कि हमारी माताएं हर दो घंटे में हमें कुछ ना कुछ फीड देती थी जो हमारा गट है स्पेशली हम इंडियंस की बात करें ये स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स के लिए बना हुआ है एक्चुअली अच्छा। जब आप बहुत लंबे आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो बॉडी कीटोन बॉडीज बनाती है तो उसको इस तरह से लिया जाता है कि जब कीटोन बॉडीज बनती है तो वेट रिडक्शन बहुत फास्ट होता है hmm. पर कीटोन बॉडीज बहुत किडनी uh, को हमारे हार्ट को हमारे को अफेक्ट करती है। hmm. तो मैं बिल्कुल कि इंडियंस के लिए स्पेशली वेजिटेरियन के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है oh. बाहर के लोगों का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है फूड कंजप्शन का hmm. आप देखेंगे वो हैवी मील लेते हैं एक हाँ, बार में हाँ. और स्पेशली नॉन वेज ज्यादा है तो लाइक आपने चिकन लिया या मटन उसको डाइजेस्ट होने में ही कई बार 11 से 17 घंटे लगते हैं hmm. तो वो फिर गट के लिए अच्छा होगा आप यदि लंबी फास्टिंग रखते हैं पर इंडियंस के लिए इंटरमिटेंट बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होती oh. सीवियर हेयर फॉल स्किन का ब्लैक होना और मिलाजमा होना बहुत ज्यादा बोन में पेन होना बहुत कम एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होना इनफर्टिलिटी ये सब कॉज बनता है आपने अभी हेयर फॉल की बात की तो मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि औरतें क्योंकि उनके लिए तो उनकी बाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप क्या सजेस्ट करती हैं क्या गुड न्यूट्रिशन हेयर फॉल को बिल्कुल देखिए आप कोई भी चीज करा ले, इवन यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट भी कराते हैं तो आप ट्रांसप्लांट हेयर को भी देखिएगा वो फॉल होने लगते हैं टाइम के बाद जब भी शरीर में आयरन की प्रोटीन की कैल्शियम की कमी होगी हेयर फॉल सीवियर होगा या हार्मोन इम्बेलेंस होंगे लाइफ स्टाइल डिजीज की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक किया जा सकता है आज के समय में बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे एक मीजोथेरेपी होती mm. है जिसमें हम पैप्टाइड्स को डायरेक्टली हेयर uh, फॉलिकल्स में डाल देते हैं oh, okay. तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए गट की कोई ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्टली फॉलिकल्स में जाता है और हेयर फॉल को विद इन टेन डेज एकदम बंद कर देता है तो ऐसी कई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिनसे हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं आपको लगता है कि हमें हमारी लाइफ में ऐसे ऑल्ट्रेशन करने चाहिए बिना दवाई इस्तेमाल करें जिससे कि हम खूबसूरत दिख सके हम फिट दिख सके जी बिल्कुल आ, मैं इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन का ही रोल नहीं समझूंगी नहीं। यदि आप मेंटली बहुत पॉजिटिव है जैसे मैं अक्सर लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप जिम नहीं जा सकते आप वॉक नहीं कर सकते तो आप अपने घर में सिर्फ 20 या 30 मिनट बैठ के मेडिटेशन करिए तो जिस कॉर्टिसोल की हम बात कर रहे थे स्ट्रेस हार्मोन हम उसको सप्रेस कर पाते हैं बॉडी सॉल जो होता है वो बैडली डैमेज करता है हमारी स्किन हेयर हमारी पर्सनालिटी को तो कई चीज़ें बिल्कुल यदि हम एक हेल्दी फूड जिसमें प्रॉपर वेजिटेबल्स हो तीन टाइम का फल हो और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरी थाली हो हमारा शरीर देखिए एक अच्छे फूड से ही तो चलता है है ना यदि वो नहीं होगा तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं आप कितने मल्टीविटामिन खाएंगे एक समय के बाद आपका लीवर थक जाएगा उन मल्टीविटाम्स को भी डाइजेस्ट करते हुए एब्जॉर्ब करते हुए सेकेंड थिंग वो आपकी आंतों में कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये नहीं पता जबकि खाना लगभग नब्बे प्रतिशत होता है तो बिल्कुल एक अच्छी लाइफ से हम हमेशा यंग देखे रह सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ ये एक इतना बड़ा कॉन्वर्सेशन इतना बड़ा टॉपिक है आप क्या हमारे व्यूअर्स को कौन सी वेल्थ आप उनको बोलेंगे कि वो लोग चुने देखिए हमारी हिंदू पद्धति में कुछ लाइन बोली जाती है पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद माया यदि आपके पास एक निरोगी काया नहीं है और असीमित धन है आपको आपका किडनी फेलियर में आप चले गए आपको सिंगापुर ले जाया गया पूरा पैसा लगाया गया तो वो जो बिस्तर पे बैठी हुई निरोगी जो रोगी काया है वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगी बिल्कुल तो हेल्थ से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है आप जितना स्वस्थ रहेंगे उससे बड़ा धन कुछ नहीं है यदि आप स्वस्थ हैं तो आप असीमित धन कमा सकते हैं और उसको एन्जॉय कर सकते हैं तो हेल्थ इज वेल्थ ये बहुत बड़ा स, आ, सच है आज के समय में और पहले भी पहले के भी लोगों को आप देखिए वो मेहनत बहुत करते थे सो यू सो मच डॉक्टर स्वर्णा हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे हेल्थ रिलेटेड लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो भी हमारे सवाल थे उन सब सवालों के जवाब देने के लिए और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान के इस मंच पर हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं थैंक यू सो मच ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अभी तक की मेरी सारी अपॉर्चुनिटी में मैं इसको सबसे बड़ा मानूंगी कि न्यूज 18 ने मुझे इस लायक समझा न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलेब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए और खास मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी